एक तरफ जहां कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्यों में कोरोना वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है। महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली से भी वैक्सीन के कम होने का संकट सामने आया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से वैक्सीन की कमी की खबरें आने लगी हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर मौजूदा रफ्तार से ही वैक्सीनेशन कराएंगे तो केवल 5 दिनों में ही वैक्सीन खत्म हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर टारगेट के हिसाब से हर दिन 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाए तो ये स्टॉक महज 2 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अब सवाल ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस संकट से कैसे निपटेंगी। नमस्कार, मैं हूँ तरुण और आप देख रहे हैं अनकट। देश में कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि इसने पहले की सभी लहरों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नए संक्रमितों के आंकड़े में शुक्रवार को भारी इजाफा हुआ। इस दिन देश में 1,44,829 मामले सामने आए। पिछले साल वायरस के सामने आने से लेकर अब तक एक दिन में मिले मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक्टिव मामलों में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। देश भर में शुक्रवार को एक्टिव मामलों में 66,760 जैसे बड़े नंबर का इजाफा हुआ। इस तरह देश में एक्टिव मामलों की संख्या 10,40,993 हो चुकी है। यह आंकड़ा कोरोना के पिछले फेज के पीक से कहीं ज़्यादा है। आपको बता दें कि पिछले साल 17 सितंबर को संक्रमण का पीक दिन था। इस दिन देश भर में सबसे ज़्यादा 10,17,000 एक्टिव मामले सामने आए। इसके बाद से ये आंकड़े धीरे धीरे घटने लगे, लेकिन अब ये फिर से बदतर होते जा रहे हैं। अच्छी बात ये है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साथ ही वैक्सीनेशन ने भी रफ्तार पकड़ ली है। वहीं हर दिन तकरीबन 34 लाख वैक्सीन डोज दिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में वैक्सीन के डोज की कमी हो गई है। इन राज्यों के पास जो स्टॉक है वो 2-3 दिन से ज़्यादा चलने लायक नहीं है। ऊपर से पूरे देश में राज्यों के पास जो स्टॉक है वो भी 5 से 6 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगे। मौजूदा जानकारी के मुताबिक 9 अप्रैल की सुबह तक 9,43,00,000 डोज दिए जा चुके हैं। इनमें से 60% से ज़्यादा डोज 8 राज्यों में दिए गए हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। वहीं केंद्र सरकार के पास इस समय 4,03,00,000 वैक्सीन डोज उपलब्ध हैं, जो राज्यों को धीरे धीरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन्हें मिला दिया जाए तो पूरे देश भर में अभी 12 दिनों का कोटा उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। इनमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड का नाम शामिल है। इन्हें मिलाकर हर महीने 7 करोड़ डोज का प्रोडक्शन हो रहा है। इस आधार पर सिर्फ 25 लाख डोज ही रोज दिए जा सकते हैं, और इसी वजह से ये मांग उठ रही है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 समेत अन्य वैक्सीन को भी मंजूरी दी जाए, ताकि राज्यों से आ रही डिमांड को पूरा किया जा सके। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, भारत में इस समय 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इनमें से कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटिश फर्म एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर तैयार कर रही है। भारत में इसका प्रोडक्शन पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। वहीं कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाया है, और इसका प्रोडक्शन हैदराबाद में हो रहा है। भारत के ड्रग रेगुलेटर से अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी अपनी वैक्सीन के लिए दिसंबर में अप्रूवल मांगा था, पर उसके लिए -70 डिग्री सेल्सियस का कोल्ड चेन होना चाहिए, जो भारतीय सेटअप में मुश्किल है। इस वजह से उसे मंजूरी नहीं मिल पाई। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के लिए हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। इसे जल्द ही अप्रूवल मिल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वैक्सीन की कमी के संकट को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकेगा। अहमदाबाद की कंपनी जायस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी के लिए भी कंपनी 1-2 महीने में अप्रूवल मांग सकती है। भारत में ICMR की वैक्सीन लैंडस्केप के मुताबिक कई वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं। इनमें पुणे की जेनोवा फार्मास्यूटिकल्स की mRNA वैक्सीन से लेकर बेयर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के साथ हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन शामिल है। इनमें भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नोवोवैक्स की कोवैक्स के भी ट्रायल्स शामिल हैं। जाते जाते बता दें कि बायोलॉजिकल ई भारत में जॉनसन एंड जॉनसन की जेनेसन फार्मा की वैक्सीन के ब्रिजिंग ट्रायल्स भी करने वाली है।